कल मोहल्ले वालों की सुबह एक मीटिंग बुलाते हैं, हमें किसी भी हाल में यह ब्रिज बनने से रोकना होगा। मैं जानना चाहूंगा कि इस आंदोलन में, इस मुहिम में हमारे साथ कौन कौन है, जरा प्लीज अपने अपने हाथ उठाएं। अरे दादा, अपने कॉलोनी वालों के लिए 4-5 दिन भूखे नहीं रह सकते, लानत है आप पे। जी 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 जी, तो आप नहीं बैठ सकते क्या? अब बहस मत करिए, एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। हेड जाएगा तो मैं जाऊंगा, टेल जाएगा तो आप बैठेंगे। हम जो कह रहे हैं कि जब आराम से 10-10 लाख रुपया की निछावर मिल रही है तो आराम से जेब में डालो और ऐश करो ससुर। देखिए, हम चंद रुपयों की खातिर अपनी बालकनी से दिखने वाले खूबसूरत नजारे को बेच नहीं सकते। और हम मुट्ठी भर रुपयों के लिए उस आस का गला नहीं घोट सकते जो हर रात सुबह का इंतजार करती है कि हम सुबह बालकनी में जाएं और सामने से आ रही उस खुशबूदार हवा को सूंघ लें, साला सूंघ डाले, सूंघ डाले उसको, सूंघ सूंघ ले। तुम यार कौन से नजारे, ससुर कौन सी हवा पानी की बातें कर रहे हो है? और तुम भैया तिवारी हमें जो बताओ, तुम्हारे घर के ठीक सामने तो भैया विभूति को मकान है, तो हमें जो बताओ जी, भैया विभूति छज्जा पे आके सुबह सुबह मुजरा करती हैं का? हम तो मोरन से कह रहे हैं चुपचाप अपनों जो गद्दे वद्दे ताल टंटीला बिल्कुल हटा लो इतने से, वरना आंदोलनकारियों से कैसे निपटो जाते हो, हमें अंग्रेज अच्छी तरीके से सिखा के गए हैं, समझ गए? बैठी है बिल्कुल पंचायत चल रही है। गुप्ता जी, एक मिनट पकड़े रहिए, हाँ फोन आया है जरा। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जी, उम्र मधुबाला। हम मधुबाला ना ही है अम्मा जी, हम दुखी बाला हैं। अरे वो बैल का किया, का किया बता हमको? आ लड्डू के भैया फ्लाई ओवर को रोकने के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं अम्मा जी। है? अरे बैल भूख हड़ताल पे बैठा है? हाँ। ये बात हम माने नहीं सकते हैं बहुरिया। अम्मा जी आप तो जानती है ना, हम झूठ कहेंगे का? तुम कह रही है तो हम मान लेते हैं बिटिया। अब हम का करें अम्मा जी? अब तुम एक काम करो ना, वो बैल को चारा डालो। हमरा मतलब है कि वो बैल के लिए खाना लेके जाओ और उसको खिलाने का कोशिश करो, नहीं खाएगा तो फिर हमको बुलाना, हम आकर के अपने हाथ से उसके मुंह में ठूसेंगे। ठीक बा अम्मा जी, हम खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ जुग जुग जी, उम्र बच्ची, ये बैल के बच्चे को ना हम नहीं छोड़ेंगे। गुप्ता जी टैब बोल गए। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी आंदोलन करने की, क्या जरूरत थी? अनु, आंदोलन हमारे खून में बहता है, मेरे दादा परदादाओं ने अंग्रेजों की लाठियां खाई, जुल्म सहे हैं, मुझे के साथ तो ज्यादती भी हुई। तुम्हें देखकर कहीं से नहीं लगता कि तुम क्रांतिकारियों के खानदान से हो, बात सारी ये है कि तुम इस शहर के डेवलपमेंट को रोक रहे हो। अनु तुम मेरी तौहीन कर रही हो। अरे तौहीन नहीं कर रही हूँ, मैं समझाना चाहती हूँ तुम्हें।
अगर कॉलोनी वालों का कुछ फायदा हो रहा है तो तुम क्यों उनका नुकसान करने पे तुले हुए हो? मैं नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका नुकसान होने से बचा रहा हूँ। तुम्हें कब से इतनी लोगों की फिक्र होने लग गई? मुझे हमेशा से फिक्र थी। इंकलाब जिंदाबाद। दादाजी को झाड़ियों में लग। भिखारी होंगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। एक क्रांतिकारी को भिखारी समझते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड्डू के भैया लीजिए लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे हम खाना नहीं खा सकते पगली, समझा करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भरबुत्ती जी, भरबुत्ती जी, लड्डू के भैया आपको समझाइए ना। भाभी जी, लड्डू के भैया को इस कॉलोनी पे कुर्बान होने से अब कोई रोक नहीं सकता। चले इकट्ठी कर लिया आपने तो। कंजूस है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। आइए भाभी जी, आइए। आप अंगूरी जी का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं वो दिल से कितनी दुखी है? भाभी जी, अंगूरी को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तो खुश होना चाहिए कि वो एक महान क्रांतिकारी की पत्नी है। भारत माता की जय जय जय। प्लीज, क्या मैं आप दोनों से पूछ सकती हूँ कि अगर यहाँ पर हाईवे बन गया तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? फिर हम आपके दिव्य दर्शन कैसे कर पाएंगे? क्या तिवारी जी, फिर आपके होंठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे, जोर से बोलिए। हमने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रणाम भाभी माँ। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम भैया। अरे बस करो, आगे बढ़ो ना यार। भैया आज शाम की पार्टी में आप सबको इनवाइट करने आया हूँ मैं। क्या हुआ भैया? आप तो भूख हड़ताल पे है ना, तो आपको नहीं कर रहा मैं इनवाइट। प्रोग्राम क्या भाई, ये बताओ। सक्सेना जी, आपकी बर्थडे है ना? नहीं 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 भाभी जी, मैड डे, मैड डे। मैड डे का होता है भाभी माँ? दरअसल बात ये है कि आज ही के दिन मुझे ऑफिशियली पागल घोषित किया गया था, तो इसलिए मैं इस दिन को मैड डे के रूप में सेलिब्रेट करता हूँ। तो तिवारी भैया को छोड़ के आप सब लोग जरूर आएगा, ठीक है? वैसे सक्सेना जी, आपका वेन्यू कहाँ है? जाहिर सी बात है, पागल खाना होगा भाभी जी। I like it. वैसे वेन्यू यही है, यहीं पे होगी पार्टी। Good. मैं चलता हूँ, तैयारी करनी है मुझे। मैड डे पार्टी, I like it. कर चले हम। देखिए शाम को पार्टी है, मैड पार्टी। अब तो भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, लीजिए खाना खाइए। नहीं भाभी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। लड्डू के भैया हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इधर लाइए खाना, मैं खा लेता हूं। क्या उसमें क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू।
थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, थैंक यू। सक्सेना जी, यार हम जो कह रहे हैं कि आत्माएं लाने बहुत बड़ो वालों दिन है खुशी को, तो ऐसे खुशी के मौके पे तनक निछावर दे दो यार। अरे दरोगा अप्पू सिंह जी, कम से कम इस पगलेट को तो छोड़ दीजिए, आप किसी से निछावर मांग लेते हैं, लानत है आप पे। तुम्हारे गोर्दन में काय दर्द हो रहा हो, चुप करो ना, तुमसे मांग रहे का? अरे मांगोगे तब ना जब इनके पास देने के लिए होंगे। अरे विभू, क्या करते हो, हमेशा मारने कूटने की बातें करते रहते हो। आज के इस अशुभ मौके पे जो आप लोगों ने आकर मेरा मान बढ़ाया है, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। आई लाइक इट। मतलब बचपन में एक बार आई बिरयानी खाते हैं, पुराने आप बिरयानी आ जाओ। अरे दादा दो भाई। आधा टीका। टीका, बिरयानी बहुत टेस्टी बनी है भैया। हाँ अमर खान, बिल्कुल हैदराबाद को टेस्ट आ रहा है। टीका, क्रांतिकारी भैया के मुंह में ना पानी आ रहा है। अबे ओ, तुमने क्या हमारे मुंह में घुस के देखा है कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है? अरे टीका मन खान, काहे ना तू के भैया को परेशान कर रहे हो, हाँ? ओ हर भूख पर ताल रहे हैं ना? ओके भाभी। खाओ बिरयानी भी नहीं हो? सक्सेना जी बहुत मजा आ गया। भैया थोड़ा खाएंगे तो? भाभी जी, आप एक क्रांतिकारी का ईमान टिकाने की कोशिश कर रही हैं। इट्स नॉट राइट। तिवारी जी, इंकलाब जिंदाबाद। गुड। आप सक्सेना जी ने पार्टी दी है, क्या बता? विभू जी बनो। अबे बे, तुम भी तो क्रांतिकारी हो, फिर तुम क्यों? इतना दबा दबा के खा रहे हो? मैं इससे खा रहा हूं, करो अगर तिवारी जी को कुछ हो गया तो उनके पीछे इनकी जो मुहिम है, आंदोलन खुद चालू रखेगा। मैं चालू रख, इनकलाब जिंदाबाद। गुड। एक्चुअली बात तो बिल्कुल ठीक है, हम सब तिवारी जी के सामने खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ना हम सब मेरे घर में चलते हैं, वहां चल के अच्छे से बिरयानी खाते हैं। गुड आइडिया। चलो हमारे घर आओ, वहीं खाएंगे। मजो आगो भाभी। I like it. अरे दादा, ससुर काली मिर्च इतनी ज्यादा डाल दी तिवारी भैया, ससुरी मिर्च लग गई मुंह में, पेल पेल में काली मिर्च डाल दी। अरे दादा, भैया तिवारी, तुम्हारी हालत हम समझ सकते हैं यार, तुम्हारी हालत ससुरी ऐसी है इस समय जैसे कोनो भेड़िया के सामने बकरो पड़ो भवे और भेड़िया को मुंह सिलो हुए। हम जो कहे टेंशन ना लियो, हमने चार छठैया प्लेट हैं तुम्हारे लाने बचा कर रख देंगे, जैसे मौको मिले मुंह मार लियो। जैसे कहो तुम आंदोलन चलते रहेगो,
तुम्हारा पेट भर जाएगा, ठीक है? जान सकते कि इतनी मेहरबानी काय कर रहे हैं निछावर? आप भी ना बहुत बड़े वाले हैं गुरु। बड़े वाले को क्या मतलब यार, घर में सोचो नौ नौ ठग्गे बच्चा है, प्रेग्नेंट बीबी है, पेट ना भरा उनको। बिरयानी कहाँ है? कहाँ है? 1000 रुपये दो पहले। अरे यार किलो धरो, जेब में डालो, जेब में। हाथ खराब है, जा 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 खुली जा। बताओ कहाँ? ऐसा है, बस दीवार के पीछे रखी है, जैसी मौको मिले मुंह मार लाइयो, ठीक है? हम चल रहे तिवारी, बताइयो ना कोके। आ गया, हालांकि बिरयानी 1000 रुपए की पड़ी, लेकिन पगलेट सक्सेना ने क्या कमाल की बिरयानी बनाई है। आहा, अम्मा जी को क्यों बुला लिया? अम्मा जी को काहे बुला लिया? अम्मा जी को देख के बहुत तोते लाल होते हैं तुमरे, हैं? अरे अम्मा क्या बात कर रही हो? चुप! बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो गया है, बहुत बड़ा आंदोलनकारी हो गया है ना, अभी निकालते हैं तुमरा आंदोलन। खाना नहीं खा रहा है ना, आज ठूस ठूस के खाना खिलाएंगे तुमको। अरे नहीं नहीं अम्मा, हम सच कह रहे, हम खाना खा चुके हैं। अम्मा जी झूठ बोल रहे हैं, सुबह से अन्न का दाना तक ना ही खाया इन्होंने, कुछ ना ही खाया। अरे नहीं अंगूरी, हम वो दीवार के पीछे बिरयानी डकार के आ रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। ए चुप ससुरे, मुंह खोल, नहीं तो तुम्हारे मुंह में छाता घुसेर का खोल भी देंगे। डॉक्टर साहब बताइए ना लड्डू के भैया को क्या हुआ है? चिंता मत करना बहुरिया, है कुछ नहीं होगा ये बैल को। सही कह रही हो अम्मा, कुछ नहीं हुआ है। दरअसल क्या है ना, इन्होंने अपनी औकात से मेरा मतलब अपनी खुराक से ज्यादा खा लिया, उसकी वजह से ओवर ईटिंग हो गया है। अरे कैसे ओवर ईटिंग होगा है? खाली 10 रोटी खिलाए थे और 10-12 रोटी तो ये रोजे पेलता है। अरे क्या बताएं अम्मा, अरे तुम्हारे आने से पहले हम 2-3 प्लेट बिरयानी पेल गए थे, फिर तुम आई और रोटियां हमारे मुंह में पेल दी, फिर कुप्पी लगा के दाल भी पेल दी, तो ओवर ईटिंग हो गई। आप बिरयानी कब पेले? अरे पार्टी खत्म होने के बाद पेले। अरे राम 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 तिवारी जी, अब आप झूठन भी खाने लगे। लड्डू के भैया, आप लोगों का झूठन खाएगा, मैं हम आपको बोल रहे थे कि खाइए बिरयानी। चुप रहो अंगूरी, डॉक्टर तो बकवास कर रहा है, हम का झूठन पेले बे।
तिवारी जी। जी भाभी जी, आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। अरे हमारी ट्यूबलाइट, आजा आजा हमारी गोरी बिटिया, आजा। प्रणाम अम्मा जी। जीवन भर भूरी भक्क रहो, है ये आशीर्वाद है हमारा। अब बताओ। अरे अम्मा जी क्या बताऊं, जिस फ्लाईओवर के लिए विभू और तिवारी जी ने आंदोलन किया था वो फ्लाईओवर बन ही नहीं रहा है। क्या बात कर रही है भाभी जी, इसका मतलब हमारी आवाज हुक्मरानों तक पहुंच गई? नहीं नहीं, आपकी आवाज कहीं नहीं पहुंची है, वो पूरी की पूरी योजना ही कैंसिल हो गई है और डूब गए मेरे 10 लाख। हदिया आप कोनो बात नहीं अनीता जी, आइए आइए हम आपको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं अदरक डाल के। आइए आइए, मुझे भी चाय पीनी है। आइए आइए, हम भी आते हैं। आइए आइए। अरे ढंग से हाथ धो ना। ओहो तिवारी जी, मुबारक हो मुबारक हो, फ्लाईओवर कैंसिल हो गया है। पर ये लोग माने ना माने, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। ये मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, चाहता हूँ कि आप इसे अपने पास रखें जी। देखिए ये सिक्का है, हेड जाएगा तो मैं जाऊंगा, तेल जाएगा तो आप बैठो, ठीक है? दोनों तरफ पट